नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना YouTube चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र, आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्षाद के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन यानी जुपिटर ट्रांजिट 2022, 13 अप्रैल 2022 को गुरु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। अभी गुरु महाराज चल रहे हैं कुंभ राशि पर, यानी 11 नंबर की गिनती पर। 13 अप्रैल 2022 से गोचर करेंगे मीन राशि पर, अपनी राशि पर स्वागृही हो जाएंगे। क्या प्रभाव और परिणाम किन राशियों के लिए होगा, किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए बुरा होगा, संपूर्ण विश्लेषण उपाय सहित मैं बता रहा हूँ। चार चार राशियों की 3 सीरीज हम लोग बनाएंगे आज, मेष, वृष, मिथुन और कर्क के लिए। अगले क्रम में 4 राशियां और फिर 4 राशियां आपको हम बारी बारी से जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि की। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए ले लेते हैं। यहां पर जो 4 राशियां लिखी गई हैं, इनमें से ये गुरु महाराज मेष राशि के मित्र होते हैं और कर्क राशि के मित्र होते हैं, वृष राशि के लिए शत्रु होते हैं और मिथुन राशि के लिए सम होते हैं, न मित्र और न शत्रु। तो ये पहली चीज हमने आपको बताया। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आ जाते हैं मेष राशि के लिए। बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि पूरे 13 महीने तक रहने वाला है, 13 अप्रैल 2022 से कमोबेश 1 अप्रैल 2023 तक। कैसा असर देंगे ये जान लेते हैं। मेष राशि के बृहस्पति बारहवें भाव में रहेंगे। मेष राशि उनकी होती है जिनकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा गया है। यहां मैं आपको एक बहुत ही उपयोगी चीज पहले बताऊंगा। किसी भी ग्रह का ट्रांजिट देखने के लिए, परिवर्तन, राशि परिवर्तन देखने के लिए, गोचर देखने के लिए, अगर आप 2 पैरामीटर का विचार करें, 2 पैरामीटर से देखें क्या क्या, लग्न और राशि दोनों से, तो ज्यादा बेहतर होता है। लग्न और राशि दोनों से देखिए, ऐसा देखिए कि जिस ग्रह का आप गोचर देखना चाह रहे हैं, जैसे यहां पर बृहस्पति का, तो वह बृहस्पति आपकी लगन से किस भाव में पहुंच रहा है और फिर राशि से किस भाव में पहुंच रहा है। अगर लग्न और राशि दोनों से अच्छे भाव में है तो उसे बहुत अच्छा मानिए। अगर लग्न और राशि में से दोनों से खराब हो तो उसे बहुत खराब मानिए, और एक से अच्छा एक से बुरा हो तो मिला जुला मानना चाहिए। इसलिए मैं राशि वाइज, तो क्योंकि ग्रहों का गोचर राशि वाइज होता है तो राशि से बता रहा हूँ, लेकिन आप दोनों पैरामीटर पर देखिएगा कि लग्न से किस भाव में पहुँच रहा है और कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है। जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा कि मेष राशि से, तो जिन लोगों की मेष लगन भी होगी वो भी इन चीजों को शामिल कर लेंगे अपने लिए। वृष राशि से बताऊंगा, जिनका वृष लगन होगा वो भी इस चीज को देखेंगे। यानी ना सिर्फ मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि के लिए है, बल्कि इन राशियों के साथ साथ इन लग्न वालों के लिए भी है, जिनका ये लगन है उनके लिए भी है। तो मेष राशि की हम बात करते हैं पहले। मेष राशि के बारहवें भाव में होंगे। अगर आपकी मेष लगन है तो आपकी लगन से भी बारहवें होंगे। इन जनरल क्या होता है, जब कोई भी ग्रह गोचर वश छठे भाव में, आठवें भाव में और बारहवें भाव में होता है तो अशुभ प्रभाव देता है। अगर आपकी लग्न और राशि दोनों से 6, 8, 12 में होगा तो बहुत बुरा देगा, और अगर 6, 8, 12 में लग्न या राशि से किसी एक में होगा, एक में नहीं होगा, तो मिला जुला देगा। तो ओवरऑल आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए।
मेष राशि के बारहवें भाव में होंगे और मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम भाव और बारहवें भाव के स्वामी होते हैं, चाहे मेष राशि समझिए चाहे मेष लगन समझिए, तो ये बारहवें भाव में होंगे। अब हम पहले बृहस्पति की दृष्टियां निकाल लेते हैं। बृहस्पति पांचवें भाव, सातवें भाव और नौवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जहां पर बैठते हैं वहां से। तो जब बृहस्पति मीन राशि पर रहेंगे तो इनकी दृष्टि कर्क राशि पर पड़ेगी। जब बृहस्पति मीन राशि पर एक साल के लिए गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि कन्या राशि पर पड़ेगी और वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तो ये जो राशियां हैं ये आपकी राशि के अनुसार किस भाव में पड़ती हैं, लगन के अनुसार किस भाव में पड़ती हैं, उसी के विवेचन अनुसार मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। तो मेष राशि के बारहवें भाव में हो गए। अब मेष राशि में स्वामी किस चीज़ के हैं, नवम भाव के और बारहवें भाव के। तो बारहवें भाव में स्व राशि के हो गए हैं। अगर स्व राशि में जब बृहस्पति अकेले रहेंगे, यहाँ पर इनके साथ और कोई ग्रह नहीं रहेगा, 13 महीनों के दौरान गोचर में कोई ना कोई ग्रह गुरु के साथ आएगा, और ऐसा भी कभी होगा कि ये अकेले भी रहेंगे, तो जिस महीने में जिस समय अवधि में अकेले रहेंगे उस समय ये विपरीत राजयोग का असर देंगे। लेकिन जब इनके साथ कोई इन 13 महीनों में चंद्रमा सूर्य मंगल आएगा तो उस समय ये विपरीत राजयोग का लाभ नहीं देंगे। दूसरा, मेष राशि के लिए नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। 9 नंबर के गिनती के और 12 नंबर की गिनती के स्वामी बृहस्पति हैं। तो मेष राशि के नवम भाव के स्वामी होके बारहवें भाव में हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मेष राशि का या मेष लगन का विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहा होगा तो उसे सफलता मिल सकती है, क्योंकि नवम के स्वामी होके बारहवें में हैं और चौथे भाव पर उच्च की दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इसलिए विदेश जाना चाहते हैं मेष राशि के लिए, यह एक अच्छा संकेत होगा। व्यय भाव में है तो व्यय भी कराएंगे, मेष राशि के लिए व्यय का समय आएगा। अब अनुमान लगा लेते हैं कि किस चीज पर व्यय हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली मेष राशि के लिए खर्चे बढ़ने वाले हैं, वह खर्चा किन चीजों में हो सकता है यह देख लेते हैं। गुरु क्या है, एक धार्मिक ग्रह है, तो मेष राशि के लोगों को धार्मिक और मांगलिक कार्य करने का अवसर मिल सकता है। मेष राशि जिनकी है उनके घर में शादी विवाह या पूजा पाठ आदि के कार्यक्रम हो सकते हैं, एक चीज ये हो सकता है। किसी धार्मिक समारोह में, किसी धार्मिक गतिविधि में दान देने का अवसर मिल सकता है। दूसरा, जब बृहस्पति की हम दृष्टि देखते हैं तो मेष राशि से बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर उच्च की आती है। तो मेष चतुर्थ भाव किसका होता है, भूमि भवन वाहन का। तो मेष राशि के लोगों का पैसा भूमि पर, यानी जमीन खरीदने में, घर बनाने में, गाड़ी लेने में, यानी चौथे भाव से जुड़ी हुई चीजों पर इनका पैसा खर्चा हो सकता है। खर्चे का योग है, पैसा खर्चा होगा, बचेगा कम, लेकिन वह किसी न किसी रूप में अच्छे ही कार्यों में व्यय होने वाला है। या फिर विदेश जाना चाहते हैं तो उस विदेश जाने के लिए आपका पैसा खर्च हो सकता है, धन व्यय तो होगा लेकिन अच्छे कार्यों में ही होगा, क्योंकि गुरु स्व राशि के हैं। तो मेष राशि के भूमि भवन वाहन में वृद्धि होने वाली है। बृहस्पति की दूसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति के विरोधी उत्पन्न तो होंगे लेकिन शांत रहेंगे, जो पहले के शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे। बृहस्पति यहाँ पर शत्रु हंता तो नहीं करता है लेकिन शत्रुओं को शांत अवश्य करता है, एक कंप्रोमाइजिंग की स्थिति लाता है। मेष राशि के लोगों का अगर किसी से कोई विवाद है तो कंप्रोमाइज की स्थिति बन सकती है। मेष राशि के अष्टम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, यह भाव होता है आयु का, मृत्यु से जुड़ा हुआ, और जीवन को झिकझिक बाजियां जो छोटी छोटी होती हैं, अपयश होता है जीवन में, हानि होती है, पतन होता है, वो यहाँ से देखते हैं। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ने से इन सारी चीज़ों में भी राहत मिलने वाली है, यानी जीवन में सुख और शांति की वृद्धि रहेगी, पारिवारिक मामलों में शांति बनेगी, चाहे पत्नी से हो चाहे परिवार के अन्य सदस्यों से हो, वहाँ पर शांति की स्थिति रहने वाली है। तो अगर हम खर्चे को छोड़ दें तो बृहस्पति मेष राशि के लिए अच्छा है, खर्चे बढ़ाएगा।
अब ध्यान देना है कि कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, उस हिसाब से बृहस्पति कुछ बुरे खर्चे भी या अच्छे खर्चे भी करवाएगा, दोनों स्थितियां बनने वाली हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, जिनकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हुआ है। यह विश्लेषण सिर्फ आप अपनी कुंडली पर ना देखें, अपने परिवार के अन्य लोगों की भी कुंडलियों से देख लीजिए कि घर में किसी का बृहस्पति बहुत अरिष्ट तो नहीं होने वाला है। अगर उस सदस्य की कुंडली के अनुसार बृहस्पति बहुत खराब होने वाला हो तो अभी हम उपाय जो बताएंगे उस पे अमल करिएगा। तो वृष राशि से हम अगर देखेंगे तो वृष राशि से एकादश में बृहस्पति पड़ेंगे, लाभ भाव में पड़ेंगे, और वृष राशि में बृहस्पति अष्टम भाव का स्वामी होता है। 9 नंबर यहाँ है, जब यहाँ से गिनेंगे तो ये 8वां घर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बृहस्पति अष्टम भाव का और एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव और अष्टम भाव का स्वामी होने से बृहस्पति वृष लगन के लिए, वृष राशि के लिए अशुभ ग्रह हो जाता है। यानी वृष राशि के लिए बृहस्पति एक अशुभ ग्रह है, और वैसे भी अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी में मार्कत्व तो भी आ जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि वृषभ राशि के लोगों को कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानी ये देने वाले हैं, क्योंकि एकादश में ही बैठ रहे हैं। हालांकि एकादश भाव में स्वगृही होने से बृहस्पति इनकी आमदनी बढ़ाने वाले हैं, और वृषभ राशि के लोगों की अगर दीर्घ काल से कोई इच्छा पेंडिंग चल रही है, कोई मनोकामना है, तो उसकी पूर्ति हो सकती है। यहाँ पर जब बृहस्पति बैठेंगे तो वृषभ राशि के 3रे 5वें और 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति की दृष्टि जैसा कि मैंने बताया मीन राशि पे रहेंगे तो यहाँ पड़ेगी यहाँ, और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ने वाली है। तो वृषभ राशि से अगर हम गिनती करते हैं तो वृषभ राशि से 3रे भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी। यानी वृषभ 3रा भाव होता है परिश्रम का और छोटी यात्राओं का, तो परिश्रम करवाएंगे और छोटी यात्राओं से लाभ देने वाले हैं। लघु उद्योग करने वाले वृषभ राशि के जातकों के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। बृहस्पति की अगली दृष्टि यहाँ पड़ती है, जो कि वृषभ राशि से 5वां भाव होता है। यानी बृहस्पति जहाँ देखता है वृद्धि करता है, तो वृषभ राशि के लोगों के लिए 5वां भाव होता है बुद्धि का, संतान का और उच्च शिक्षा का। तो वृषभ राशि के लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, जो स्टूडेंट है उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं सफलता पाएंगे। वृषभ लगन या राशि के लिए संतान का भी योग शुरू होगा बृहस्पति के मीन राशि में होने से। बृहस्पति की अगली दृष्टि कहाँ पड़ेगी, वृषभ राशि के 7वां भाव पर। यहाँ से गिनेंगे तो ये 7वां भाव है, और 7वां भाव होता है विवाह का और पत्नी का, ससुराल का। तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, वृष राशि के विवाह योग्य हुए हैं, उनके विवाह की संभावनाएं बनेंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरेगा वृषभ राशि के लोगों का। और 7वां भाव जो होता है, यह वास्तव में दशम से दशम होने के नाते व्यवसाय का भी होता है। तो बृहस्पति की वृष राशि के 7वां भाव पर दृष्टि होने से कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, नया एग्रीमेंट, नया बिजनेस बढ़ सकता है। यानी कैरियर के लिहाज से और आमदनी के लिहाज से, विवाह संतान आदि के लिहाज से अच्छा है। थोड़ा सा अष्टमेश होने के नाते और एकादशेश होने के नाते स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, मेहनत के चक्कर में स्वास्थ्य ना गंवाएं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के लोगों की, जिनकी कुंडली में 3 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा होता है, उनकी होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में बृहस्पति स्वामी होते हैं 7वां भाव और 10वां भाव के। मिथुन राशि में यहाँ से गिनेंगे तो ये 7वां घर पड़ेगा, 8 9 10। यानी 7वां और 10वां के स्वामी है मिथुन राशि में, और बृहस्पति यहाँ पर 10वां भाव में मिथुन राशि में स्वगृही बनेंगे। तो मिथुन राशि के ऐसे जातक जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, जो लोग प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है, कार्य क्षेत्र में शुभत्व या वृद्धि का योग बन रहा है, क्योंकि 10वां भाव में ये स्वगृही रहने वाले हैं। और मिथुन राशि के
अगर हम दृष्टि की बात करें तो मिथुन राशि के बृहस्पति की दृष्टि मिथुन राशि में चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो पहली चीज तो मिथुन राशि के द्वितीय भाव में बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ने वाली है, तो इनके धन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कोई पॉलिसी ले सकते हैं, कहीं पैसा निवेश कर सकते हैं, FD, LIC कुछ भी इस तरीके से पैसा कहीं इनका संचित हो सकता है, खर्च पे नियंत्रण इनका होने वाला है और धन की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि धन भाव पर गुरु की उच्च की दृष्टि है। इसके साथ साथ बृहस्पति की दृष्टि मिथुन राशि के चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़ रही है। तो मिथुन राशि का जो चौथा भाव बनेगा वो भूमि भवन वाहन का बनेगा, मिथुन राशि के लोग भी भूमि भवन वाहन के लिए तैयार हो जाएं, इनको प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा मिथुन राशि के खष्टम भाव पर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये छठा भाव पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिथुन राशि के खष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से शत्रुओं की वृद्धि होगी, हालांकि शत्रु शांत रहेंगे, नए शत्रु उभार में नहीं आएंगे और पुराने शत्रु शांत रहेंगे, लेकिन शत्रुहंता योग नहीं बनता है, कंप्रोमाइजिंग की स्थिति रहेगी, ऐसे में शत्रुओं से कंप्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मिथुन राशि में हम बात करेंगे तो बृहस्पति सप्तम भाव के और दशम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव भी दशम से दशम होता है, तो मिथुन राशि के लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट आता है वह उनका कार्य क्षेत्र आता है, इसमें वृद्धि होने वाली है, इनकेन प्रकारेण प्रमोशन वेतन वृद्धि कुछ ना कुछ तो अवश्य ही मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की, जिनकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर चंद्रमा बैठा हो उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि का बृहस्पति मित्र है और कर्क राशि के नवम भाव में बृहस्पति रहेंगे, यह कर्क राशि 4 नंबर की गिनती है, यहाँ से गिनेंगे तो नौवें भाव में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 13 अप्रैल के बाद कर्क राशि के नवम भाव में स्वागृही बृहस्पति, जो कि धार्मिक ग्रह है, यानी पूरे साल भर में 1, 2 या अधिक अवसर आएंगे जब ये कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य अवश्य करने वाले हैं, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, किसी धार्मिक कार्य या पुनीत कार्य के लिए दान वगैरह भी करने का अवसर मिलेगा और धार्मिक यात्रा जरूर होने वाली है। यहाँ का बृहस्पति इनके भाग्य में वृद्धि करेगा और यहाँ से बृहस्पति इनके लगन को ही देखेगा उच्च की दृष्टि से, लगन पे बृहस्पति की उच्च की दृष्टि, यानी ऐसे व्यक्ति के ऐश्वर्य में यश में वृद्धि होगी, और अगर अन्य कोई ग्रह कुंडली में खराब है मारक है तो लगन पे बृहस्पति की दृष्टि उस अशुभ ग्रह से बृहस्पति को बचाएगी, बृहस्पति की दृष्टि उस अशुभ ग्रह से कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों को बचाने का भी काम करने वाली है। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि कर्क राशि से तीसरे भाव पर पड़ेगी, यानी परिश्रम और उद्योग में वृद्धि होने वाली है और परिश्रम का परिणाम भी मिलेगा, छोटी यात्राएं होने वाली हैं, वह यात्राएं व्यावसायिक और धार्मिक दोनों प्रकार की रहेंगी। अब अगर हम बृहस्पति की नवीं दृष्टि देखते हैं, जो कि बृहस्पति की वृश्चिक राशि पर दृष्टि है, तो जब हम कर्क राशि से गिनते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 पंचम भाव पर पड़ती है, यानी कर्क राशि या लगन के लोगों के संतान का योग बन रहा है, क्योंकि पंचम पर गुरु की दृष्टि है। इसके साथ साथ पंचम भाव से संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, और इसके अलावा कुछ गूढ़ विद्याओं का ज्ञान, लर्निंग वगैरह जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, कोई भी चीज़ सीखने को इनको अवसर मिलेगा, इनके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है और संतान के लिए समय अच्छा होने वाला है। कुल मिलाकर के बृहस्पति जिन राशियों के लिए मैंने बोला उनके लिए कोई विशेष अशुभ नहीं है, मेष राशि से थोड़ा बारहवें भाव में है, हालांकि स्वागृही है, इसलिए जो परिणाम देंगे वह किसी अच्छे कार्य में ही धन व्यय करा करके देंगे, लेकिन एक चीज और होता है, किस राशि किस ग्रह का गोचर किस राशि पर है यह अपने आप जीवन में अनुभव करिए। जैसे अगर किसी का कर्क लगन है तो उसका बृहस्पति का कुंभ राशि पर गोचर अच्छा नहीं होता, कर्क लगन के लिए कुंभ राशि पर बृहस्पति का गोचर नहीं ठीक होता, क्योंकि अष्टम में पड़ता है।
तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो कि किसी राशि विशेष पर किसी ग्रह विशेष का प्रभाव अशुभ आता है, तो उसे अपनी डायरी में नोट करना चाहिए और अगली बार जब उस ग्रह का गोचर उस राशि पर आए तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे तो बृहस्पति की वस्तु का दान करना चाहिए। बृहस्पति की वस्तु पीली वस्तुएं होती हैं, चने की दाल हो गई, 1.25 किलो चने की दाल 11 बृहस्पतिवार दान करने से बृहस्पति की अशुभता दूर होती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी अशुभ भाव का स्वामी है, उसकी दशा अंतर दशा चल रही है, तो बृहस्पति की पीली वस्तु 1.25 किलो चने की दाल का दान 11 बृहस्पतिवार करिए संकल्प ले करके। उम्मीद है कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले कार्यक्रम में अगली 4 राशियों के बारे में विवेचन लेकर के आएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।